दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को जब भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर ब्लैकलिस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब चीन हमेशा से परेशानी खड़ी करता आया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया चीन द्वारा की गई इन अनएथिकल हरकतों के खिलाफ खड़ी होना शुरू हो चुकी है। दरअसल ह्यूमन राइट वॉच चीन की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने बयान देते हुए कहा है कि दुनिया भर के देशों को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में किसी को भी चीन को खुश करने के लिए वोट नहीं करना चाहिए। दरअसल अब संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार संगठनों में काम कर रहे लोग चीन में लगातार बढ़ते मानव अधिकार उल्लंघन को देखकर हैरान रह चुके हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट चीन से निकलकर सामने आती है वह काफी परेशान करने वाली है। चीन अक्सर ही अपने देश के कई हिस्सों में मानव अधिकार उल्लंघन के लिए बदनाम है, जिसके तहत वह विरोधियों को चुप करने के लिए कई बार ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता है जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा विरोधियों को दबाने के लिए उन्हें घर से गायब करना, हत्या करवा देना समेत प्रताड़ित करना भी शामिल है। लेकिन इतने घिनौने अपराध करने के बावजूद चीन अपनी आर्थिक शक्ति की वजह से दुनिया भर के देशों को मना लेता था कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उनके लिए वोट करे, ताकि चीन जब चुनाव जीतकर कुर्सी पर बैठे तब न सिर्फ चीन उन्हें संरक्षण देगा बल्कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीट भी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा चीन खुद का समर्थन करने पर देश को आश्वासन देता है कि उन्हें दूसरे सेक्टर में भी चीन पूरा समर्थन करेगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट या फिर कूटनीतिक समर्थन। दोस्तों, सोफी रिचर्डसन ने सिंजियांग, तिब्बत और हांगकांग में चीन द्वारा लगातार किए जा रहे मानव अधिकार उल्लंघन का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ पर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आती है वह काफी परेशान करने वाली है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में सीट हासिल करने के लिए देश को चीन के समर्थन में आग बन करके वोट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि मानव अधिकार जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर वे जिस देश को वोट दे रहे हैं उस पर खुद कितने दाग हैं। उन्होंने चीन के अंदर मीडिया के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और लगभग ना के बराबर प्रेस फ्रीडम होने की भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकतों से चीन ये बात सुनिश्चित करता है कि उनके देश में जो भी मानव अधिकार उल्लंघन हो रहे हैं उसके बारे में बाहरी दुनिया को पता ना चल सके, और यही वजह है कि दूसरे देश बस चीन की ऊपरी परत को देखकर उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जैसे महत्वपूर्ण संगठन में भेज देते हैं और खुलकर वोट भी करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है और अब इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी बन चुका है। लेकिन आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ह्यूमन राइट वॉच चीन की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने चीन के खिलाफ ये बयान एक ऐसे समय पर दिया जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सबसे श्रेष्ठ निकाय मानवाधिकार परिषद में चुनाव होने वाले हैं और चीन इस रेस में लगा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि अब सोफी रिचर्डसन द्वारा दिए गए इन बयानों से सभी देश चीन के समर्थन में आंख बंद करके वोट करने से बचेंगे और शायद मानवाधिकार के मुद्दों के बारे में सच में सोचा जाएगा। साफ है दोस्तों कि चीन को अब दुनिया के बड़े बड़े संगठन से भी चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है और ये आगे जाकर चीन की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत अब चीन से सटी सीमा पर अपनी मिलिट्री की क्षमता को मजबूत करने के लिए कुछ काफी नए हथियार की खरीद तो करने ही वाला है, साथ ही हम चीन से सटी सीमा पर एडवांस मिलिट्री रडार की तैनाती करेंगे, जिससे हम सीमा से काफी अंदर तक चीनी सेना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बता दें कि इस बात की पुष्टि खुद भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सर ने की है, जिन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया है कि भारतीय वायुसेना आने वाले सालों में फाइटर विमान, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, एडवांस रडार, क्लोज इन वेपन सिस्टम समेत कई दूसरे उपकरणों की खरीद करेगी, ताकि हम चीन के खिलाफ अपनी तैयारी मजबूत कर सके। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान पहाड़ों पर तैनात किए जाने वाले इन मिलिट्री रडार पर जा रहा है, जो हमारी मौजूदा तैयारी को काफी ज्यादा मजबूत कर सकता है। दोस्तों, चीन के खिलाफ कोई भी लड़ाई निर्णायक बनाने के लिए हमें जानकारी हासिल करनी होगी और ये जानकारी भारत को रडार सिस्टम के साथ साथ एडवांस ड्रोन के इस्तेमाल से मिल सकती है, जिसके लिए हम अमेरिका के साथ पहले ही बातचीत कर रहे हैं और $3 बिलियन से ज्यादा की कीमत पर एडवांस MQ-9 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिनसे हम निगरानी के साथ साथ हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में अब इन नए रडार की तैनाती से हम अपनी सर्विलेंस की क्षमता को और मजबूत कर सकेंगे, जो भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज होने वाला है। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि हम अपनी तैयारी को लगातार मजबूत करते रहेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सभी देश को चीन के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है ताकि मानव अधिकार के मुद्दे पर चीन को जिम्मेदार ठहराया जा सके, वहीं पर दूसरी तरफ सीमा पर भारत अपनी सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है ताकि भविष्य में चीन के साथ तनाव बढ़ा तो फिर हम हर तरह से तैयार रहेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में चीन को अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों को बंद करना होगा, वरना उन्हें इससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है।
बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।